नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। सिरसा जिला में कल यानी 6 जुलाई को हरियाणा के डिप्टी सीएम के गृह जिला सिरसा में पक्का मोर्चा की तरफ से एक किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के कई दिग्गज किसान नेता शिरकत करेंगे। दरअसल सिरसा के बरनाला रोड पर शहीद भगत सिंह स्टेडियम में जो पक्का मोर्चा की तरफ से एक धरना चल रहा है, वहीं पर इस महापंचायत यानी किसान सम्मेलन का आयोजन, किसान आंदोलन का 9 माह का जो समय बीतने के बाद यहां पर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें तमाम नेताओं की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जेजेपी के गढ़ दुष्यंत चौटाला के अपने गृह जिले सिरसा में ये एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ किसानों का सम्मेलन होगा, जिसमें पूरे जिला से बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो शिरकत करेंगे। लेकिन सवाल है, आखिर इस कोविड के पोस्ट जो वक्त है उसमें कितनी संख्या में यहाँ पर भीड़ जुट पाएगी। हालांकि जो पक्का मोर्चा की तरफ से प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा, उनकी तरफ से यह दावा किया गया है कि बेहद उत्सुकता, एक उत्साह का माहौल किसानों के अंदर इस बात को लेकर है कि जो गुस्सा कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ है, क्योंकि लगातार जो किसान है वो दिल्ली की सरहदों पर बैठकर पिछले करीब 7 से ज़्यादा महीनों का वक्त बीता है जहां पर बैठकर वो लगातार सरकार के खिलाफ नमस्कार साथियों, देख रहे हो पूरी तैयारियां हो रही है, टेंट लग रहा है और कल यहाँ पर बहुत बड़ी रैली होने जा रही है, किसानों की धिक्कार रैली। दुष्यंत चौटाला, रंजीत चौटाला पर धिक्कार है। 9 महीने से यहाँ पे मोर्चा लगा है दुष्यंत चौटाला के घर के आगे। इस मोर्चे को 9 महीने 6 जुलाई को हो जाएंगे कल, और 6 जुलाई को 9 महीने होने पर यहाँ पर धिक्कार रैली रखी गई है, जिसमें संयुक्त मोर्चे के आगू किसान नेता आएंगे, जिसमें जोगेंद्र सिंह जी उग्रहा, योगेंद्र यादव जी, रुलदू सिंह जी मानसा, डॉक्टर दर्शन पाल, कुलवंत सिंह संधु, सोनिया मान, सुदेश गोयत, विकास सिसर, मंजीत राय, मंजीत दनहेर, रवि आज़ाद, जोगेंद्र नैन, तमाम जो लोग हैं, जितने भी किसान आगू, सब यहां पर बड़ी संख्या के अंदर संयुक्त मोर्चे के लीडर आएंगे, जिसमें टोलों से मैयर टोल, खड़कड़ टोल, लांदड़ी टोल, वहां से किसान आएंगे और बहुत बड़ी रैली यहाँ पे कल होनी है, धिक्कार रैली। तो हम सभी इलाका वासियों से अपील करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पहुँचे। सिरसा के हम सभी गांव के अंदर लगभग जाके आए हैं और लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। गांव से, एक एक गांव से 100-100, 200-200 लोग आएंगे। महिलाओं की हाजिरी कल की रैली के अंदर बहुत अच्छी हाजिरी यहाँ पे होंगी कल, तो एक बहुत बड़ा आयोजन यहाँ पे होने जा रहा है। 3 काले कानूनों के खिलाफ जो संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष को मजबूत करने के लिए हम सभी साथियों से, इलाकावासियों से, किसानों से, नौजवानों से, छात्रों से, मजदूरों से अपील करते हैं कि कल बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर पहुँचे और जो मोर्चे लगे हुए हैं उन मोर्चों पर जो हमारे साथी किसान बैठे हैं, बुजुर्ग हमारे बैठे हैं, उन सब का हौसला बुलंद हो, आंदोलन को मजबूती मिले और संयुक्त मोर्चे के आगू लीडर आ रहे हैं उनको भी हौसला मिले कि देश के तमाम जो लोग हैं वो हमारे साथ हैं। और कल बड़ी संख्या के अंदर आके आप ये चीज़ दिखा दो कि ना तो 9 महीने में हम थके हैं, ना 9 महीने में हम हारे हैं, ना हम झुके हैं, ना हम थके हैं, ना हम टूटे हैं। हम सब आज भी इस आंदोलन के साथ है, आज भी इस आंदोलन के साथ उसी तरीके से है जिस तरीके से हमने इस आंदोलन को शुरू किया था। देश का बच्चा बच्चा इस आंदोलन के साथ है और जब तक 3 काले कानून
रद्द नहीं हो जाते तब तक हम सब जो है यूं ही संघर्ष करते रहेंगे, यूं ही सड़कों के ऊपर आंदोलन करते रहेंगे और इस आंदोलन को यूं ही मजबूत करते रहेंगे। हम सब के लिए ये आंदोलन को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है और टिकरी बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए साथियों का हौसला जो है उनका मजबूत हो, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर कल आप पहुँचे। आप लोगों से यही अपील है, यही प्रार्थना है और उम्मीद करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पहुँचेंगे और इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। यहाँ पे तैयारियाँ हो रही है, टेंट लग रहा है, सब तैयारियाँ हैं, लंगर की व्यवस्था यहाँ पे हो रही है, चाय की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, कूलर पंखे सब यहाँ पे व्यवस्था की जाएगी ताकि गर्मी के अंदर हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएँ बहनें जो आएँ उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तो भगत सिंह स्टेडियम में सुबह ठीक 10 बजे आप सब साथी यहाँ पर पहुँचेंगे, सुबह 10 बजे, और पूरी तैयारियों साथियों नमस्कार। साथियों पिछली 6 अक्टूबर को सिरसा के अंदर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के घर के सामने एक पक्का मोर्चा लगाया गया था जिसमें हरियाणा के लगभग 17 किसान संगठन शामिल थे और उसमें एक सवाल पूछा गया था दुष्यंत चौटाला जी से कि आपको कुर्सी चाहिए या किसान चाहिए। और उस आंदोलन के दौरान दुष्यंत चौटाला ने उस सवाल का कोई जवाब आज तक नहीं दिया, इसलिए हमने ये मान लिया कि दुष्यंत चौटाला को केवल कुर्सी प्यारी है, किसान प्यारे नहीं है। वो किसान जिसने दुष्यंत चौटाला के परिवार को लाखों लाखों वोट दिए, सैकड़ों बार एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री तक किसान परिवार ने उनके परिवार को बनाया, उसके बावजूद इस दुख और तकलीफ की घड़ी में दुष्यंत चौटाला का किसान के साथ में ना खड़ा होना कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए कल 6 तारीख को उस पक्के मोर्चे को 9 महीने पूरे होने वाले हैं, उस 9 महीने पूरे होने के उपलक्ष्य में सभी ने ये फैसला किया है कि वहां एक धिक्कार रैली, क्योंकि ऐसी राजनीति के ऊपर धिक्कार है, ऐसी राजनीति के ऊपर हमें शर्म आनी चाहिए जिसमें जिसने उनको जिंदा किया, वोट दिए, उप मुख्यमंत्री तक पहुंचाया, सांसद बनाया, उन लोगों के साथ में आज उनका नाक खड़ा होना और उनका कुर्सी और किसान में से कुर्सी का चुनना, ऐसे नेता के ऊपर हमें धिक्कार है। इसलिए कल यानी 6 तारीख को धिक्कार रैली का आयोजन सिरसा के अंदर किया जा रहा है। आप सभी साथियों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल भगत सिंह स्टेडियम में सिरसा के अंदर 10 बजे ज्यादा से ज्यादा किसान साथी पहुंचने का काम करें।